नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑफिस ट्रिमाली और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। पेश है आज आपके लिए भारत के 10 फेमस भारत एक ऐसा देश है जिसकी स्थलाकृति बहुत विविध है, जिसका अर्थ है कि देश सभी प्रकार के यात्रियों को पूरा करने वाले अवकाश स्थलों में से भरा है। भारत में हिल स्टेशनों के मामले में भी ऐसा ही है। अरावली, विंध्य और हिमालय की तरफ भारत के पास देश के लगभग सभी हिस्सों में पेश करने के लिए बहुत सारे गंतव्य हैं। भारत में कुछ सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे, जो निचले शहरों के हॉट एंड हाई टेम्परेचर से राहत पाना चाहते थे। आज ये हिल स्टेशन देश भर से और दुनिया भर के यात्रियों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय गंतव्य बन गए हैं। यदि आप भी पहाड़ियों की अपनी यात्रा की योजना बनाना चाहते हैं तो यहाँ भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन है, जो अपनी शांति, परिदृश्य और आसान जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए मिलकर देखते हैं टॉप 10 फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया। नंबर एक पर है लेह लद्दाख, उच्च दरिया की भूमि। भारत के सबसे ऊंचे हिल स्टेशनों में गिना जाता है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख की यात्रा भी सबसे प्रसिद्ध में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे की ड्राइविंग से लेकर प्राकृतिक सुंदरता में भीगने तक ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लेह लद्दाख को भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में गिना जाता है। आप एक साधारण टूर पैकेज का विकल्प चुन सकते हैं जो आपकी यात्रा को और आवास का ख्याल रखता है, या आप गंतव्य के लिए एक साहसिक बाइक की सवारी की योजना बना सकते हैं। कुछ लोकप्रिय स्थान जिन्हें आप देख सकते हैं उनमें पेंगोंग झील, रॉयल लेह पैलेस, मैग्नेटिक हिल, जास्कर घाटी और बहुत कुछ शामिल है। नैनीताल उत्तराखंड, दिलों का हिल स्टेशन। उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज का एक सबसे छोटा शहर नैनीताल भारत में सबसे लोकप्रिय हनीमून स्थलों में से एक है। इसे भारत के झील जिले के रूप में भी जाना जाता है और इसमें परिवारों और जोड़ों से लेकर एकल यात्रियों तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। भारत के इस प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर कुछ गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है, जिनमें रॉक क्लाइंबिंग, कैनाइंग, कयाकिंग, घुड़सवारी और पैरासेलिंग शामिल है। नैनीताल के पर्यटन स्थलों में नैनी पीक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप और नैनी झील शामिल है। इस जगह में छोटे बाजार भी है जो हमेशा गतिविधियों और सड़कों से गुलजार रहते हैं, जो खूबसूरत जंगल पेच की ओर ले जाते हैं। नंबर 3 पर है मनाली, हिमाचल प्रदेश। द वैली ऑफ गॉड्स, कुल्लू घाटी सुंदर बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे जंगलों के साथ साथ कई गतिविधियों का आनंद लेने के लिए मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। भारत में सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों की सूची में मनाली में आपके प्रवेश करने के क्षण से ही एक पर्यटक खिंचाव है। हिल स्कीइंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग कुछ ऐसे साहसिक खेल हैं जिनमें आप यहां भाग ले सकते हैं और कई की तिब्बती मठ, रोहतांग दर्रा और सोलंग घाटी पर्यटन स्थल है जिन्हें आप मनाली में देख सकते हैं। नंबर 4 पर है मसूरी, उत्तराखंड। द क्वीन ऑफ हिल्स, मसूरी भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाली हिल स्टेशनों में से एक है और रस्किन बॉन्ड का घर होने के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिल स्टेशन उत्तर में हिमालय और दक्षिण की ओर दून घाटी के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मसूरी को विशेष रूप से पर्यटन के लिए विकसित किया गया है और यह घूमने की जगहों और करने के लिए चीज़ों से भरा है। आप गन हिल के लिए केबल कार की सवारी ले सकते हैं, माल रोड के किनारे चल सकते हैं या जगह के कुछ खूबसूरत दृश्यों के लिए उच्चतम बिंदु लाल टिब्बा की ओर जा सकते हैं। नंबर 5 पर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। लोकप्रिय हिल स्टेशन और स्कीइंग गंतव्य, गुलमर्ग दुनिया के सबसे ऊंचे गोंडालों का घर है, जो जमीन से 4000 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई तक चलता है। गर्मियों में यह हिल स्टेशन ट्रेकर्स के लिए एक स्वर्ग बन जाता है।
और गुलमर्ग में मुख्य पर्यटन गतिविधियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग शामिल है, जबकि मुख्य बाजार आभूषण पश्मीना और कई अन्य अद्वितीय स्मृति चिन्ह से भरा है, जिन्हें आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। नंबर 6 पर है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, चाय बागानों का हिल स्टेशन। दार्जिलिंग कंचनजंगा और कई अन्य पहाड़ियों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह भारत के उन हिल स्टेशनों में से एक है जो अपने बड़े चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में दार्जिलिंग के लिए उपलब्ध अधिकांश टूर पैकेज में चाय बागानों के दौरे भी शामिल होते हैं। कई झरनों का घर दार्जिलिंग की एक और बहुत प्रसिद्ध विशेषता इसकी टॉय ट्रेन है, जो एक बहुत ही यादगार सवारी है। इसके अलावा हिल स्टेशनों के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में ऑब्जर्वेटरी हिल, घूमट और सेंचल झील शामिल थे, जो आप वहां पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। नंबर 7 पर है शिलांग, मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड। यात्रा के लिए अपने शिलांग टूर पैकेज को बुक करने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होगा। मेघालय की राजधानी में बारिश के मौसम में पूरा शहर एक नए जीवन में नहाता नजर आता है। मनोरम परिदृश्य पेश करते हुए ऐसी कई चीजें हैं जो आप यहां कर सकते हैं। आप एलिफेंट फॉल्स के पास एक आरामदेह पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, उमियम झील में नाग की सवारी का अनुभव कर सकते हैं या शिलांग चोटी पर चढ़ सकते हैं। आप में साहसी के लिए आप एक शिलांग टूर पैकेज की तलाश कर सकते हैं, जिसमें शहर की झीलों में से एक में वाटर स्काइंग या कयाकिंग भी शामिल हो। गंगटोक सिक्किम, सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और हिल स्टेशन। सिक्किम की राजधानी गंगटोक भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। यह एक ऐसा शहर है जो आगंतुकों को एक हिल स्टेशन की विचित्र आभा के साथ साथ एक शहर की खुशियां भी प्रदान करता है। गंगटोक में रोपवे पूरे शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगटोक के आकर्षण का पता लगाने के लिए शहर में घूमना सबसे अच्छा तरीका है। ताशी व्यू पॉइंट, बंजागे हिल और रुमटेक मठ कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अधिकांश गंगटोक टूर पैकेज में शामिल है। चंबा हिमाचल प्रदेश, द पिक्चर परफेक्ट हिल स्टेशन। चंबा घाटी के बारे में अतीत में रहस्यमय और ऐतिहासिक दोनों तरह की कई कहानियां प्रचलित हैं। भारत में यह हिल स्टेशन कई मंदिरों का घर है, जिनमें से अधिकांश भगवान नारायण को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे अधिक ज्ञात देवता माना जाता है। उत्साही प्रकृति प्रेमियों और उत्साही लोगों के लिए चंबा परिपूर्ण में से कम नहीं है, क्योंकि यह आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं से कुछ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। चंबा के कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में भूरी सिंह संग्रहालय, अखंड चंडी पैलेस, रंगमहल और चंपावती, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी और लक्ष्मी नारायण मंदिर शामिल है। तवंग अरुणाचल प्रदेश, हिल स्टेशन जहां छठे दलाई लामा संग्यांग ग्यात्सो का जन्म हुआ था। तवंग भारत का सबसे बड़ा तिब्बती मठ है, जहां लगभग 500 लामा रहते हैं। भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशनों में गिना जाता है। तवंग में ताजा पहाड़ की हवा है और यह उत्साही लोगों को ट्रेकिंग के कुछ अद्भुत अवसर प्रदान करता है। तवंग में आपको निश्चित रूप से 400 साल पुराने तवंग गोम्पा की यात्रा करनी चाहिए, ताकि आप खूबसूरत शहर में घूमने से पहले दोस्ताना स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकें। भारत के हिल स्टेशनों की यह सूची उन गंतव्य से भरी हुई है जिन्हें आपको अपनी जीवन में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए। सुंदर दृश्यों, अद्भुत और मैत्रीपूर्ण आबादी और सही मौसम का आनंद लेने के अवसर के साथ भारत के ये हिल स्टेशन सभी यात्रियों के लिए स्वर्ग है। तो होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे इन नेचर एंड कीप एंजॉय इट एंड प्लीज कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thank you.